वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा तो बच्चों ये बताओ, आज सुबह स्कूल आने से पहले आप किन किन लोगों से मिले, और मिले तो क्या आपने उन लोगों को प्रणाम किया? हाँ सर जी, आज मैंने सुबह सुबह अपने मम्मी पापा को विश किया और मैं स्कूल आ गई। सर जी मैंने तो सबसे पहले दादा दादी को, फिर मम्मी पापा को, फिर चाचा चाची को विश किया, उसके बाद में स्कूल आया। अरे गुड़िया, तुमने दादा दादी को विश नहीं किया क्या? सर मेरे परिवार में तो मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा ही रहते हैं। और बच्चे आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? सर मेरे परिवार में सभी एक साथ रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और हम सब भाई बहन। अरे दीदी, आपके परिवार में आपके साथ दादा दादी क्यों नहीं रहते? अरे भाई, हम भी अपने दादा दादी के साथ ही अपने गांव में रहते थे, लेकिन पापा जी को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा और पापा को यहाँ काम मिल गया, इसलिए वो हमें लेकर मम्मी के साथ यहाँ पर आ गए, इसलिए मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ ही रह रही हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी आपने इन बच्चों के माध्यम से सुना कि ये सभी बच्चे अपने अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा पहला ही पाठ है, यह है मेरा परिवार। आओ इसको एक कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करें। कविता पढ़ते हैं। अपना घर है सबको प्यारा, यह देता है हमें सहारा। माता पिता यहाँ पर रहते, कष्ट हमारे हित में सहते। राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते। चले यहाँ पर राज हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी ये कविता? सर बहुत अच्छी। कविता तो आपको अच्छी लगी, अब ये बताओ कि आपको अपना घर अच्छा क्यों लगता है? सर जी क्योंकि हम अपने घर में मौज मस्ती करते हैं, सब अपनी मनमानी करते हैं, हम सब अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए हमें अपना घर बहुत प्यारा लगता है। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप सभी अपने अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे। हाँ तो बच्चों चलो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पाठ में आशा नाम की लड़की है जो कहता है, आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। उसके परिवार में माँ, पिताजी व एक छोटी बहन है। उसकी सहेली शिवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई हैं। तो बच्चों यहाँ देखो आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं साथ के साथ कि आशा के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। सर आशा के परिवार में उसकी मम्मी, उसके पापा और उसका भाई और वो स्वयं चार सदस्य ही हैं। वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया। और उसकी सहेली के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं ये भी बताओ। सर शिवानी के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, एक बहन और एक भाई हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। पाठ को आगे पढ़ते हैं। आशा आज बहुत खुश है, वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली मनाने जा रही है। गांव में उसके दादा दादी, ताऊ ताई व उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं। आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो सब खुश हुए, सभी ने बड़ों के पैर छुए। आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। तो अब इसके कुछ सही और गलत प्रश्न आपसे पूछते हैं, देखते हैं आप कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाते हैं। दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा, तो बच्चों बताओ यह सही है या गलत प्रश्न है? सर
सही है। नहीं सर जी, यह सही नहीं है। दादी ने आशा को प्यार से बेबी कहा था, मुन्नी नहीं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं। आशा के दादा दादी गांव में रहते हैं। मैं बताता हूँ सर, ये भी बिल्कुल सही है, उसके दादा दादी गांव में ही रहते हैं। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही बता पा रहे हैं बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते हैं, ये बताओ सही है या गलत। ये भी सही है सर, उसके दादा दादी गांव में ही रहते हैं। अगला प्रश्न बताओ बच्चों। शिवानी दिवाली मनाने गांव नहीं गई, ये गलत है या सही। ये बिल्कुल सही है सर, वो आशा की तरह गांव में दिवाली मनाने नहीं गई थी। हाँ तो बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा, यह है मेरा परिवार। इस परिवार में दो बच्चे यानी आशा और शिवानी के परिवार का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। आशा का परिवार कैसा है, जिसमें आप चित्र में देख पा रहे हैं कि भाई बहन और मम्मी पापा, अर्थात ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हों, उसको हम एकल परिवार कहेंगे। जबकि शिवानी का परिवार आप देख पा रहे हैं, शिवानी के परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा सभी हैं, उनके उनके बच्चे भी हैं। तो ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार, जिस परिवार में सभी सदस्य दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक परिवार में, एक घर में, एक छत के नीचे, एक रसोई में खाना खाते हों, ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, ये पाठ आपका पूरा होता है, अगला हिस्सा इसका आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।